ये दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं सेल्को पे। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है जो कि सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल की है। इस तरह की मार्केट में मैं पहले नहीं आया, तो चलो आके एक्सप्लोर करते हैं जाके के इधर क्या होता है। नहीं नहीं मशीन में आजकल सीजन है। ये वाला कितने का? 899 का एक पीस, यानी 1800 और 2400-2500 का एक पीस। सीजन वैसे ही सीजन आजकल तो मशीनों में होती है ना। ये महंगे है ना, क्यों पता है? हमें 3 मीटर चाहिए, ये 3.6 है। बहुत बड़े हैं ये सब का सब जो है। ये सारा सीजन पड़ी हुई है। देखो बाहर गार्डन का है, ये वो नॉर्मल वाली लकड़ी लेकिन सीजन हुई हुई है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। ये देखिए जी, ये 35 पाउंड की एक, लेकिन ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ये 6 फीट, ये 6 इंच चौड़ी है, और वो जो है वो दूसरी वाली 4 इंच है। लेकिन ये तो किसी स्ट्रक्चर में यूज होती होगी। ये पूरा 1 फुट है। अच्छा, हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें दस्तयाब है, लेकिन हम हर एक चीज़ की अलग शॉप होती है। यहाँ पे अलग शॉप नहीं है, ये एक ही शॉप है जिसके अंदर ये सब है। तो एक तरह की सुपर मार्केट है या बड़ी वो वाली है जहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती है। ये देखें जी, ये सारे चीज़ें वही सामान बाहर पड़ा हुआ है, ये सब एक ही कंपनी का है। ये क्या चीज़? 15,000 का ये हमें वो 5,000 की ट्राली दे रहा था, ज्यादा महंगी लग रही थी। ₹700 की एक बोरी सीमेंट जितनी महंगी है। और ये है कितने क्यूबिक फीट है? ये इस तरह की सैन है जी। ये वही वाली चीजें हैं, ये वो लकड़ी है जो कि बाहर पड़ी है, ये सीजनड है। यही लेने के लिए हम आए हुए हैं। और ये देखें कंक्रीट की भी काफ़ी बड़े बड़े जो है ना, ये आप जो स्ट्रक्चर बना हुआ है घर के अंदर, आपने बाहर कोई चीज़ बनानी है तो आप ये बने बनाए लेके जाते हैं। तो एक जिसको कहते हैं ना वन रूफ सोल्यूशन है, जिसमें हाँ हाँ 60 पाउंड यहाँ पे घरों की कीमतें बहुत ज़्यादा है, लेकिन यकीनी तौर पे यहाँ पे महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से फिर भी जो है ना, वो ये वो ग्रेटिंग है वो पानी के लिए। ये 65 पाउंड की एक। अब हम लेने क्या क्या आए थे? 2 चीज़ें, एक ये वुड और एक पौधे। उधर से नहीं मिलेंगे, वो बी एन क्यू 7 है। अच्छा, वो बी एन क्यू से मिला। हमें सर कौन से? मेरे हिसाब से ये लेने चाहिए, बिकॉज ये सीजन है। ये भी तो सीजन है। हाँ, ये भी हो सकती है। कितने की है ये? है 5.7। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? ये 74.4 हमें, 3 है और वो 3। हाँ, हमें 3 मीटर वाली चाहिए। 7.5 की एक है, यानी 7×14 और तकरीबन 1900 रुपये की, 2000 की एक। एक ही चीज़ है, ये पूरा सेक्शन जो है ना, ये बेड्स और उस किस्म की चीज़ों के लिए। ये देखिए जी, ये नॉर्मली हम जो है ना, वो ये दस्ता है, आप किसी भी
जो गिनती और उस तरह के चीज़ों के लिए है। और ये देखिए ये कितने का है, 28 पाउंड का, यानी को तकरीबन 7,000 रुपये का ये एक दस्ता है जी। अच्छे तरीके से बना हुआ ज़रूर है लेकिन बहुत महंगा है। आपको बताता हूँ ये एक बेलचा कितने का है। ये देखिए जी ये वाला बेलचा जो है ना ये है 18 पाउंड का, तो ये तकरीबन 5,000 रुपये का एक बेलचा है। ये वाला 6,000 रुपये का एक है। अभी हम आ गए हैं पेंट के सेक्शन में। ये वो है जो कि बेसिकली पेंट है हर तरह का। अच्छा जी आ गया, मुख्तलिफ पेंट के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं, स्क्रैपर्स और ये वो चीज़ें। चले चले, तो हम जो लेना चाह रहे थे वो एग्जैक्ट साइज तो हमें मिल गया, अब हम उसको ऑर्डर कर देंगे और उसकी जो डिलीवरी है वो फिर बाद में घर पे डायरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हम उसकी जस्ट पेमेंट करेंगे और उसके बाद डिलीवरी घर पे हो जाएगी। आप यूँ समझ लें कि जैसे इस्लामाबाद में या पिंडी में सिटी सदर रोड है, अब सिटी सदर रोड पे तो आप जाएंगे बहुत सारी शॉप्स हैं, उनमें से आप ये एक आप यूँ समझ लें कि उन तमाम शॉप्स का एक मजमूआ है। इसमें हर चीज़ है, इसमें पेंट है, इसमें सीमेंट है, इसमें रेत है, इसमें हार्डवेयर का तमाम सामान है, इसके अंदर इसके अलावा लकड़ी का सामान है, और तकरीबन यू नेम अ थिंग जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है घर में वो सब यहाँ पे है। ये अब जैसे ये वाली जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये रेडिएटर्स हैं जो कि हीटिंग के तौर पे यूज़ होते हैं। ये छोटे से लेकर बड़ा हर साइज़ अवेलेबल है। इसके अलावा ये देखें ये पीवीसी के पाइप्स हैं और वो पीछे उसकी शीटें नज़र आ रही हैं, और ये देखें यहाँ पे इंसुलेशन मटेरियल है जो कि इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। हमने ऑर्डर करके चले जाना है, खुद डिलीवर कर देंगे। ये 2x4 का साइज है मेरे ख्याल, या 1.5x, 2x4 का साइज है। आओ से आओ, ऐसे अच्छा साइज है लेकिन ये कच्ची है ना, ये बाहर के लिए अच्छी नहीं रहेगी, ये अंदर किसी स्ट्रक्चर में लगाने के लिए तो ठीक है, वो फिर टेढ़ी हो जाएगी ना, मज़ा नहीं रहेगा। ये सामने मुबशर पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करके उन्होंने अपना जो एड्रेस है वो दे दिया है। ये आर्टिफिशियल ग्रास, ये एक दूसरा स्टोर है जी B&Q, ये भी बेसिकली वही कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल के लिए, लेकिन यहाँ पे ये देखिए पौधे भी हैं छोटे छोटे बड़े खूबसूरत। इसमें तो अपने पौधे भी लेने हैं ना। ये देखें जी इस तरह का एक गमला जो है ना, ये वाला जो है ये पाकिस्तान में कोई 100 रुपए का, 50 रुपए का मिलता है, यहाँ पे कोई 1200-1300 रुपए का है। ये मॉरल सारे वही है। चलो जी, वो आपने कितने की ली थी? मैंने 40 पाउंड्स की ली थी। और इधर कितने की है? 82 की। हाँ, वो जब आती है ना ऑफर यहाँ पे, यानी आपको खिड़की लगा के बैठना पड़ेगा जी। फौरन फौरन ना ले है। नहीं, कभी कभी ऑफर आ जाती है और फिर ये मुझे कटर चाहिए उसके लिए। मैं अभी आपको लकड़ी के लिए चाहिए या उसके लिए हैज के लिए? नहीं, लेकिन ये हैज ट्रिमर है। ये नहीं, ये कटर है ना। अच्छा, ये हैज ट्रिमर है ना जी। ये हैज ट्रिमर है, ये वो जो ऐसे बड़ी सी कॉलोनी काट रहा था। हम्म, सम टाइम्स अगर कोई होता है तो मैं उठा लेता। ये देखें जी यहाँ पे ये पूरा जो मुख्तलिफ टूल्स हैं
उनकी ये डिवॉल्ट की और मकीता और इस तरह की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सब के टूल्स यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा आ रहा हूँ, वोट देखनी है तो इधर आ जाए। मोर और लेस वही चीज़ें, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा वो मुझे ज़्यादा होलसेल टाइप चीज़ लग रही थी, और ये जो है इसका जो स्टाइल है या जिस तरीके की यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं ये ज़्यादातर उस तरह का है कि जो इंडिविजुअल बंदे हैं अपने घर के लिए थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें लेनी है उनके लिए। वो शायद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्डर्स वगैरह के लिए है, बिकॉज उधर वो मूवमेंट की जो जगह है वो भी बड़ी है ताकि फोकलिफ्टर्स अंदर मूव कर सकें। तो ओवरऑल इट्स अ गुड आइडिया। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन ये एक चीज़ है जो कि पाकिस्तान में अभी तक नहीं है। आई एम नॉट श्योर कामयाब होगी कि नहीं होगी, बिकॉज हमें मुख्तलिफ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ जगह पे जाने की आदत है, और हम एक मार्केट में जाते हैं उधर मुख्तलिफ दुकानों से चीज़ें पता करते हैं उसके बाद हम ख़रीदते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो हमारे यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन ये है कि बहरहाल एक ओपन मार्केट है और बहुत लोग ऐसे हैं जैसे जितने भी जो पॉश एरियाज़ हैं इस्लामाबाद के पिंडी में DHA बहरिया टाउन वाले, अगर आप उधर इस तरह की चीज़ बनाएं तो वहाँ पे लोग डेफिनेटली इसको प्रेफर करेंगे कंपेयर टू कि वो एक दुकान से निकल के दूसरे में जाएं, वहाँ से तीसरे में जाएं, कहीं पे कीचड़ है, कहीं पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। तो इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट। साहिब वो किस तरफ गए हैं? ये पूरा जो एरिया है जिधर से मैं अभी गुजर रहा हूँ ये सब हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है, घास लगाने के लिए कुछ के लिए जो चीज़ें हैं वो सब है। और ये है वो जगह जिधर हम आए हैं जो चीज़ लेने के लिए, पटोनिया। ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में जो पटोनिया मिलता है वो सिर्फ गमले में लगाने वाला है, वो जो उसकी एक जो वाइन टाइप है वो नहीं मिलता। ये ठीक है, हाँ धूप में खिल जाएगा, वो इशू नहीं है, जैसे बाहर आएगा ना। ये तो एक पहले भी लिया ना, ये वो कहती है जो ज्यादा खिला हुआ ना हो ना, ये ज्यादा खिला हुआ नहीं। ये चार लेने हैं ना, 12 के चार है ना ये, तो चार पूरे करें, एक वो नीचे वाला ले लें। ये जो मिक्स कलर है ये। जी दोस्तों इट्स टाइम टू गो बैक। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें अगले व्लॉग्स।